हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स के हम एमसीक्यूज अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो कंटेंट बेस्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है इस पार्ट का, वो जरूर देख लीजिए, बिकॉज वो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ब्लैंक एंड ब्लैंक करेंसी नोट्स ऑफ ओल्ड महात्मा गांधी सीरीज वर बैंड एज लीगल टेंडर मनी ऑन 8 नवंबर 2016। तो कौन से ऐसे नोट्स थे जो कि 8 नवंबर 2016 को बैन कर दिए गए थे। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इस डीमोनेटाइजेशन में कौन से नोट्स को बैन कर दिया गया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पुराने 500 और 1000 के जो सीरीज वाले नोट्स थे उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया था और मतलब उनका जो स्टेटस था वो लीगल टेंडर अब नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डैश इज एलिमिनेटेड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स और सर्विसेज टैक्स के इंप्लीमेंट होने के बाद इनमें से कौन से टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया। इज इट ए इनकम टैक्स, बी वैल्यू एडेड टैक्स, सी एक्साइज ड्यूटी, डी बोथ बी एंड सी। तो इनकम टैक्स नहीं था, वैल्यू एडेड टैक्स भी था, एक्साइज भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। इसके अलावा एक सेंट्रल सेल्स टैक्स ये भी था जो कि साथ में सब्ज्यूम कर दिया गया था जीएसटी के अंडर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक एंड ब्लैंक वर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 व्हेन रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन इंडिया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। अब देखो, पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा हुआ और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपका आंसर भी उसे अकॉर्डिंगली होना चाहिए। 1991 में जब रिफॉर्म्स इनिशिएट हुए थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एंड पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी वीपी सिंह जी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एंड ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव एंड निर्मला सीतारमन जी। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, ऑप्शन नंबर बी में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, बट हमने क्या कंसिडर करना है, पहले प्राइम मिनिस्टर और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन बी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी, ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या डी ऑल ऑफ दिस। सो इसमें तीनों के तीनों आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी आ जाते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी आ जाती है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलॉन्ग विद दैट बैंकिंग के साथ साथ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिबरलाइजेशन एंड लाइसेंस फेयर सिस्टम आर, ऑप्शन ए डिफरेंट टर्म्स, आइडेंटिकल टर्म्स, सेम टर्म्स या डी नन ऑफ दीज। आंसर इज डिफरेंट टर्म्स। देखिए, लिबरलाइजेशन जो है, लिबरलाइजेशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म नहीं किया जाएगा, मतलब कम किया जाएगा। दैट मींस गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। समहाउ देयर विल बी चेक्स एंड बैलेंसेस कि कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। वेयर एज इन लाइसेंस फेयर में गवर्नमेंट का 1% भी कंट्रोल नहीं रहता, सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास आ जाते हैं। तो इसीलिए ऑल द वर्क क्या है, दोनों को प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट करने का वर्क है, बट द थिंग इज यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बट इस केस में चेक्स और बैलेंसेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये दोनों दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट टर्म्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉजेज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे उसके मेजर कॉजेज क्या थे। ऑप्शन ए माउंटेनिंग फिस्कल डेफिसिट, यस इट वॉज वेरी हाई, 8.4% ऑफ द GDP हमारा फिस्कल डेफिसिट था। बीओपी क्राइसिस, बिल्कुल बहुत तगड़ा लेवल का बीओपी क्राइसिस था, हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट क्या थे कम थे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, हमारा जो करेंसी था वो डीवैल्यू हो चुका था। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स थी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। डीमोनेटाइजेशन वॉज अ मेजर इवेंट ऑफ द ईयर 2016, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 2017, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो डीमोनेटाइजेशन है वो कब हुआ था, 8 नवंबर 2016, मतलब आज ही के दिन 5 साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको लीगल टेंडर स्टेटस से हटा के क्या बना दिया गया था, इलीगल बना दिया गया था, मतलब वो अब गवर्नमेंट की बैकिंग के अंडर नहीं थे।
और दूसरा जीएसटी 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था, ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। डीमोनेटाइजेशन वॉज अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इंडियन इकॉनमी। ये बात बिल्कुल सही है। हमने जब अपना वीडियो देखा था, वीडियो में भी हमने मेरिट्स में देखा था कि ये सारी की सारी जो मेरिट्स है वो डीमोनेटाइजेशन किया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट इज डीमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड इंप्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लाइड रिप्लेसमेंट ऑफ एलपीजी बाय एलक्यूपी। तो जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा, लाइसेंस, कोटा, परमिट, राज। ये गलत है। ये गलत क्यों है, बिकॉज इट वॉज एलक्यूपी, एलक्यूपी को रिप्लेस किया गया था एलपीजी से, तो ये उल्टा कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। दूसरा देखते हैं, लाइसेंसिंग एज इन केस ऑफ लिकर इज नॉट नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ये भी गलत है। अब यहाँ पे नॉट लिखा गया, कई बार क्या होगा बच्चे, नॉट को पढ़ेंगे नहीं और नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बट अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बिकॉज लिकर इंडस्ट्री के सेटअप के लिए हमें लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल पड़ेगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। लिकर के अलावा चार ऐसी और इंडस्ट्रीज है जिसमें लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, नेमली सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, देन वी हैव इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और साथ ही साथ डेंजरस केमिकल्स। 10th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड है फिर से। स्टेटमेंट नंबर 1, द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड ऑन 24 जुलाई 1991। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। देन लिबरलाइजेशन इंप्लाइज फ्री इकोनॉमी विद नो कंट्रोल्स। अब यहाँ पे नो कंट्रोल आ गया, कईयों को लगेगा बिल्कुल ही सही है ये कि कंट्रोल तो है नहीं, बट ये एक्चुअल में गलत है। नो कंट्रोल लाइसेंस फेयर का पार्ट बन जाता है, लिबरलाइजेशन का पार्ट नहीं। लिबरलाइजेशन में कुछ हद तक चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ असम्पशन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रेटर रिलायंस वॉज प्लेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेज। बिल्कुल सही बात है। तो हमने वीडियो में भी देखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा अब रोल प्ले करने को मिलेगा वो मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई को प्ले करने को मिलेगा। रीजन देखते हैं, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल हैड गिवन राइज टू करप्शन, अनड्यू डिलेज एंड इनएफिशिएंसी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा था, अनड्यू डिले थे, काम को डिले बहुत हो रहे थे और इनएफिशिएंसी बहुत क्रिएट हो रही थी। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई को क्या किया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट की गई। तो हमारा अल्टरनेटिव्स में बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रोल ऑफ आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ फैसिलिटेटर टू अ रेगुलेटर। ये गलत है। एक्चुअल में इट वॉज रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। पहले रेगुलेट करते थे, अब फैसिलिटेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले जो इंटरेस्ट रेट थे खुद डिसाइड करते थे, रेगुलेट करते थे, बट एक्चुअल में अब जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक खुद ब खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जस्ट उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दर्शन गलत हो गया। नाउ रीजन इज मार्केट फोर्सेज डिसाइड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वॉल्यूम एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा अजर्शन गलत है, रीजन क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो सिंपल है ना, अगर आपको पता ही लग गया कि अजर्शन गलत है तो डेफिनेटली बात है हमारा रीजन क्या होगा, सही होगा। और रीजन सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर से एक अजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। नाउ इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। देन रीजन देखते हैं, प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर वॉज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टैक्स रेट्स वर क्वाइट हाई। ये भी बात बिल्कुल सही है। बट अगर हम अजर्शन और रीजन को कंपेयर करें, जो हमारे अजर्शन है वो रिलेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से, वो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है। और ऑन द अदर साइड ये जो हमें रीजन दिया हुआ है ये टैक्स से रिलेटेड है। तो दोनों की दोनों आपस में, मतलब अजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी,
14th क्वेश्चन, नाउ अजर्शन इज द गवर्नमेंट इंक्रीज द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने इक्विटी लिमिट इंक्रीज कर दी थी, मतलब 100% तक भी अलाउ किया हुआ है अब तो कई सेक्टर्स में इक्विटी लिमिट को, जैसे बैंकिंग में 74% के अराउंड कर दिया था, इंक्रीज हो गया था. नाउ रीजन देखते हैं, विद द इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर रिड्यूस. नो, रिड्यूस नहीं हुए थे ये, क्या हुए थे बल्कि इंक्रीज हुए थे. तो हमारा रीजन गलत हो गया, अजर्शन बिल्कुल सही है. आंसर क्या होगा उसका, ऑप्शन नंबर सी, अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं. नाउ इंडियन करेंसी वॉज ब्लैंक इन रिलेशन टू फॉरन करेंसी विच इंप्लाइड अ फॉल इन वैल्यू ऑफ रूपी वाय फॉरन करेंसी से यूएस डॉलर. मतलब इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि इंडियन करेंसी अब क्या हो रही है, मान लो सपोज एक डॉलर पहले 60 का मिल रहा था, अब एक डॉलर का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 70 हो गया. दैट मीन इंडियन करेंसी का वैल्यू फॉल कर गया एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर. यूएस डॉलर के कंपेरिजन में हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी वैल्यूड. अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया होता तो ये दोनों हो जाते, क्योंकि इन्होंने एज सच नहीं बताया था कि ये गवर्नमेंट खुद ब खुद कर रही है. रीवैल्यू तो इंक्रीज होना होता है तो ये नहीं है, एप्रिसिएशन भी इंक्रीज होना होता है ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज. डीवैल्यूएशन अगर यहाँ पे है तो नन ऑफ दीज का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीवैल्यूएड. अब डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है, इसको मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, उस चैप्टर को आप देख सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में फर्क क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू. अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेनर्स बाय वे ऑफ देयर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स इन इंडिया, बी इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन कंपनी, सी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेनर्स बाय द वे ऑफ देयर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स इन इंडिया. अब जो भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, तो वो एफडीआई के अंडर आ जाएगा अपना. मतलब एमएनसीज को क्या कहा जाएगा, एमएनसीज आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगी और यहाँ पे अपने बिजनेसेस को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे. 17th क्वेश्चन देखते हैं. नाउ फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, सिंपल है डेफिनेशन है इसका, आंसर है लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन तो दूसरा हो गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देनी, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन विद द एंटायर वर्ल्ड, और नन ऑफ दीज का कोई लॉजिक ही नहीं है. नाउ 18th क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन डिड द गल्फ क्राइसिस टेक प्लेस. तो गल्फ जो क्राइसिस था, गल्फ में जो वॉर हुआ था, गल्फ वॉर हुआ था, वो कब हुआ था, गल्फ रीजन मतलब वो मिडिल ईस्ट वाला रीजन. ऑप्शन ए 85-86, देन बी 1990-91, देन 95-96 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1975-1976. तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1992-1991. तो इस टाइम जब गल्फ क्राइसिस हुआ था, तो गल्फ क्राइसिस के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुई थी, एज यू नो कि हमारा जो मेजर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हम इन गल्फ कंट्रीज से करते हैं. तो जब गल्फ कंट्रीज में वॉर हुआ तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे, प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ा. हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो क्या होने स्टार्ट हो गए, वो डिप्लीट होने स्टार्ट हो गए थे. तो दैट इज वाई जो गल्फ क्राइसिस था वो हमारे लिए क्राइसिस था बहुत बड़े वाला, और इसी क्राइसिस में क्या निकलने वाली थी, एक अपॉर्चुनिटी. तो जो वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, वो रिफॉर्म्स लाने की. 19th क्वेश्चन देखते हैं. नाउ हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एट द टाइम ऑफ डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991. तो 1991 के टाइम पे जब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जब डीरेगुलेट होने वाला था, तो उस टाइम पब्लिक सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज जो थी वो रिजर्व थी. मतलब ये नहीं बताना कि हमने कितनी डीरेगुलेट की गई थी, बट उस टाइम कितनी रिजर्व थी. तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 17. तो अगर आपको याद होगा तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, उसमें कैटेगरी ए में कहा गया था कि 17 इंडस्ट्रीज विल बी देयर जो क्या होंगी, रिजर्व होंगी. किसके लिए रिजर्व होंगी, वो पब्लिक सेक्टर के लिए. बाद में जब डीरेगुलेट किया गया था तब ये 17 से हटा के कितनी हो गई थी, 8 तक पहुंच गई थी. तो आंसर अभी के लिए क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक्स फॉलोइंग द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद बैंक्स की जो लिमिट थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, उसको कितना कर दिया गया. ऑप्शन ए 60, बी 80, सी 25, डी 74. तो फैक्चुअल है इसका आंसर क्या है, 74%. तो
74% कर दिया गया था बैंक में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स है। साथ ही साथ जब लिबरलाइजेशन हुआ था रिफॉर्म्स के बाद, पब्लिक बैंक्स के अलावा प्राइवेट बैंक्स और साथ ही साथ फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया था हमारी कंट्री में एंट्री दे दी गई थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने 20 एमसीक्यूज हैं। अगर आप वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, एंड प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।